Hello students, welcome to Sri Shyam School YouTube channel. Today's video is for class 7th S.St. I'm your S.St. teacher. So let's get started with the first chapter of geography. So our first chapter is our environment, hamara vatavaran. The word environment literally means our surroundings. It refers to all those things natural or man-made which surround us. In fact, the place, people, things and the nature that surround any living organism is called environment. It is a combination of natural and human-made phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, the human environment refers to the activities, creation and interactions among human beings. The word environment, जो environment word है उसका meaning क्या होता है? Surrounding यानी हमारे आसपास की चीजें. हमारे आसपास की चीजें क्या होती हैं? जैसे कि आप एक classroom में होते हैं, तो आपकी surroundings क्या होंगी? आपके classmates, teachers, bench, room, blackboard, तो वो सब आपका क्या हुआ? Environment. इसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो natural हो और man-made हो. Natural चीजें कौन सी होती हैं? जो प्रकृति में यानी जो नेचर में अपने आप होती हैं, जैसे एयर, लैंड जिस पे आप रहते हो, आपका घर होता है, हवा है जिसे आप सांस लेते हो, वाटर है, वो सब क्या है? नेचुरल है. और मैनमेड क्या हुई? आपका क्लासरूम, आपका घर, वैन, व्हीकल जिसमें आप आते जाते हो, तो वो सब क्या हुई? मैनमेड. तो एनवायरनमेंट में ये दोनों चीजें आती हैं, जो नेचुरल होती है और मैनमेड जो आपके चारों तरफ होती है. तो हम कह सकते हैं कि प्लेस, पीपल, थिंग्स और नेचर जो किसी भी जीवित जीव को सराउंड करती है, उसके आसपास होती है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं. ये एक कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का, यानी इसमें दोनों टाइप की चीज़ें आती हैं, जो नेचुरल है, जो नेचर की है, जो अपने आप बनती हैं, और जो इंसानों द्वारा, मानव द्वारा बनाई गई है. नेचुरल एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक में वो सारी चीज़ें आती हैं जो जीवित हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, ये सब क्या है? बायोटिक. ये जीती हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं. और एबायोटिक में आती हैं जो अजीवित चीज़ें होती हैं, जैसे कि लैंड है आपकी, एयर है, वाटर है, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई? एबायोटिक. तो नेचुरल एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट हुए, बायोटिक और एबायोटिक, जो हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं. और ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या होती है? वो सारी एक्टिविटीज़, क्रिएशन और इंट्रैक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के अंदर के बीच में इंट्रैक्शन से मतलब होता है, जैसे टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है, आप उसको सुनते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आपके और टीचर के बीच में इंट्रैक्शन हुई. सेम ऐसे ही आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, तो उनसे बात करते हैं, उनके साथ मिलकर खेलते हैं, तो ये आपके आपके फ्रेंड्स के साथ इंट्रैक्शन हुई. तो जो ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है कि इंसानों के द्वारा की गई वो सारी एक्टिविटी, उनके बीच में आपस में की गई इंट्रैक्शन, वो सारी हमारी ह्यूमन एनवायरनमेंट में आती है. आवर अर्थ इज अ यूनिक बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच प्रोवाइड सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. हाउएवर the condition are not same everywhere on the earth. The physical, chemical and biological condition in which a living organism lives collectively make up its environment. There are two types of environment, natural environment and human environment. Our earth is unique. हमारी earth को पूरे solar system में एक unique planet कहा गया है. Earth, earth का मतलब है वो planet जिस पे हम रहते हैं, earth, पृथ्वी. ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक प्लैनेट है. यूनिक का मतलब होता है वो चीज़ जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो. और इसको यूनिक क्यों कहा गया है? क्योंकि इस पे इसकी जो क्लाइमेट है, कंडीशन है, वो ऐसी है जिसे जो जीवन के लिए ज़रूरी है. बाकी किसी भी प्लैनेट पर जीवन संभव नहीं है. किसी पर हवा नहीं है, किसी पर पानी नहीं है, किसी पर ऑक्सीजन नहीं है. तो एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें हर जीवित जीव के लिए, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, प्लांट्स हो, कुछ भी हो, उनके लिए सारी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो फेवरेबल है. हाउएवर द कंडीशन आर नॉट सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ.
लेकिन अर्थ पे भी क्या है, जो कंडीशन है वो हर जगह सेम नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं पे सूखा है। आपने सुना जैसे हिमालयज है, वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ गिरती है, और दूसरी जगह है रेगिस्तान, जैसे कि डेजर्ट्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जो कंडीशन है वो अर्थ की, वो हर जगह सेम नहीं है फिजिकल, यानी कि जैसे कि कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे ग्रासलैंड है, कहीं पे एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है, तो वो सब क्या है, हर डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है। बायोलॉजिकल कंडीशन है, कहीं पे किसी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे ग्लेशियर एरिया है, वहाँ पर पाने वाले एनिमल्स अलग होते हैं, और डेजर्ट्स में पाने वाले अलग। तो यही बताया गया है कि वो सारी कंडीशन जो किसी भी जीव के लिए, जीवन के लिए ज़रूरी है, वो हर जगह पे अलग अलग हैं। तो वो सारी कंडीशन, फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, जो किसी भी जीवित जीव के लिए ज़रूरी है, वो सब मिलकर क्या बनाती है, उसका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इज नेचुरल इन्वायरमेंट एंड सेकेंड इज ह्यूमन इन्वायरमेंट। देन फर्स्ट वी डिस्क्राइब द नेचुरल एन्वायरमेंट। नेचुरल एन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर पार्ट्स ऑफ बायोटिक एन्वायरमेंट, वाइल एयर, वाटर एंड लैंड आर द पार्ट्स ऑफ अबायोटिक एन्वायरमेंट। नेचुरल एन्वायरमेंट को जैसे मैंने पहले बताया था, दो पार्ट में कंप्राइज, यानी दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक यानी कि जीवित चीज़ों से बना है, अबायोटिक यानी अजीवित। एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे किसके अंदर आते हैं, बायोटिक एनवायरनमेंट में, और हवा, पानी, लैंड, ये आते हैं हमारे अबायोटिक एनवायरनमेंट। मेजर स्फेयर्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, इसका मतलब है कि नेचुरल एनवायरनमेंट के जो मेजर एरियाज हैं जिनमें उसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, उनके बारे में। देर आर फोर टाइप्स ऑफ मेजर स्फेयर्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। इनके चार टाइप होते हैं, फर्स्ट इज लिथोस्फेयर, देन एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। सो फर्स्ट इज लिथोस्फेयर। इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। लिथोस्फेयर का मतलब होता है, इसके अंदर आती है लैंड, यानी जमीन जिस पे हम रहते हैं, हमारा घर है, स्कूल है, हम चलते हैं, रोड्स बने हैं, वो सब आते हैं लिथोस्फेयर में। इट इज़ ए सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये जो अर्थ की सबसे ऊपर की हार्ड यानी कि मजबूत जो लेयर होती है, उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। और ये किससे बनती है, रॉक से और मिनरल से। और ऊपर इसके क्या होती है, जो सोयल की एक थिन लेयर होती है, जिसे ये जिसके ऊपर हम चलते हैं, वो थिन लेयर होती है सोयल की। इससे हमें क्या मिलता है, लैंड पे क्या क्या होता है, फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग यानी एनिमल्स को चराने के लिए जो ग्रासलैंड होती है, घास घास के मैदान होते हैं, वो भी तो लैंड पे ही होते हैं। एग्रीकल्चर के लिए लैंड भी होती है, और ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि ह्यूमन मानव के रहने के लिए, उनके लिए जो चीज़ें बनाई गई, रोड्स हो गए, पार्क्स हो गए, आपकी बिल्डिंग हो गई, सब किस पे बनती हैं, लैंड पे। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। और इससे हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। मिलते हैं ना, मिनरल्स कहाँ से निकलते हैं, जब हम रॉक्स को या इनको नीचे खोदते हैं जमीन को, वहीं से तो निकलते हैं मिनरल्स। एंड द सेकेंड इज एटमोसफेयर। द एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। द चेंजेज इन द एटमोसफेयर प्रोड्यूस चेंजेज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ नीड एयर टू सर्वाइव। एटमोसफेयर, एटमोसफेयर का मीनिंग होता है एयर, यानी कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। द एनवलप ऑफ एयर, हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर का एक एनवलप बना होता है, एक लिफाफा यानी कि एक पूरा सर्कल बना होता है, उसको हम एटमोसफेयर कहते हैं, जो हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। हार्मफुल रेज कौन सी होती है, सन की अल्ट्रा वायलेट रेज। अगर वो रेज डायरेक्टली हमारे ऊपर आ जाए तो उससे क्या होता है, ह्यूमैन को या कोई भी जीवित जीव हो, उनको बहुत ज़्यादा हानि या नुकसान पहुँचता है। इसके अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, डस्ट होते हैं, वाटर वेपर होते हैं। आपने जैसे सुना होगा ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज होते हैं, ऐसी और भी बहुत सारी गैसेज होती है जो हमारे एनवायरनमेंट में यानी कि हमारे एटमोसफेयर में होती हैं। डस्ट, वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होते हैं? जब गर्मी होती है तो जो हमारे पॉन्ड्स हैं, रिवर हैं, उनका वाटर क्या होता है, स्टीम होके ऊपर चला जाता है। और जहाँ ऊपर जाने के बाद एटमोसफेयर में जब टेम्परेचर कम होता है तो वो ठंडा होने लग जाता है और पानी की बूंदें बन जाती हैं, उनको वाटर वेपर कहते हैं। तो जैसे जैसे हमारे एटमोसफेयर में चेंज आएगा वैसे ही हमारे वेदर और क्लाइमेट यानी कि हमारे मौसम और जलवायु में भी चेंज आ जाएगा। जहाँ पर वाटर वेपर की जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी एटमोसफेयर में तो वहाँ पे क्या होगा, नमी सी रहेगी, बारिश आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन ऐसी गैसेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी। तो इन सब का इफ़ेक्ट, इन सब की क्वांटिटी जैसे जैसे चेंज होगी हमारे एटमोसफेयर में वैसे उनका वैसा ही जो होगा वो प्रभाव पड़ेगा किस पे, हमारे वेदर पे और क्लाइमेट पे। और जैसा हम सब जानते हैं कि जीने के लिए हवा सबको चाहिए, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो या पौधे हो। थर्ड इज हाइड्रोस्फेयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फेयर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो अर्थ का वाटर एरिया होता है उसको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। और ये किससे मिलके बनता है? रिवर्स, लेक, ओशियन, सीज, जितने भी वाटर के सोर्सेज या पॉन्ड्स हो गए उन सबको मिला के हाइड्रोस्फेयर बनता है। और जैसा कि हम जानते हैं इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी जीवित जीवों के लिए ज़रूरी है, जीने के लिए सबको पानी की ज़रूरत है, चाहे प्लांट्स हो। प्लांट्स भी लेते हैं ना पानी, हम देते हैं डेली, देखो हमारे स्कूल में भी डेली गमलों में पानी दिया जाता है, आप भी पानी पीते हैं, कोई भी एनिमल हो वो भी पानी पीता है। तो लाइफ के लिए वाटर इज ऑल्सो असेंशियल। एंड द फोर्थ वन इज बायोस्फेयर। प्लांट्स, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। बायोस्फेयर का मीनिंग होता है जो बायोटिक एरिया या फिनोमिना होता है ना नेचुरल इन्वायरमेंट का, वो बायोस्फेयर में आता है। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल वो साथ में मिलके बनाते हैं बायोस्फेयर को। ये अर्थ का वो नैरो जोन होता है यानी कि नैरो का मतलब होता है छोटा सा, वो जोन होता है अर्थ का जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर ये तीनों आपस में इंट्रैक्ट करके या मिल के लाइफ को यानी जीवन को सपोर्ट करते हैं, सहयोग देते हैं। जैसे कोई भी प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, ये जो जीवित जीव होते हैं इनमें ये क्या करते हैं, इनको तीनों चीज़ चाहिए, वाटर भी, एयर भी और लैंड भी। जब ये तीनों चीज़ मिलकर किसी जीवन को या जीव को सपोर्ट करते हैं, उसको जीवन देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बायोस्फेयर। द नेक्स्ट टॉपिक अंडर द नेचुरल इन्वायरमेंट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द वाइड रेंज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। मोर देन 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज आर फाउंड इन इंडिया। थाउजेंड्स ऑफ वेराइटी ऑफ राइस वर ग्रोन इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट। इंडिया अलोन हैज़ 4700 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड 89,451 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। इट इज़ वन ऑफ द 10 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स इन द वर्ल्ड। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता यानी जीवित चीज़ों की एक वाइड रेंज जो हमारी क्या होती है, जैसे कि आपने अपने आसपास एनिमल्स देखे होंगे, कितने देखे हैं, और उनके अलावा और कितने हैं जिनके आपने सिर्फ नाम सुने हैं। आप जो ज्योग्राफी चैनल देखते हो टीवी पे, उस पर आप डेली कितने ऐसे एनिमल्स देखते हो जिनके बारे में ना आपने पहले कभी सुना होगा या उनको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो जो जीवित जीव होते हैं उनके एक वाइड रेंज मतलब वो बहुत सारे होते हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं होंगे, तो उसको क्या कहते हैं, उस चीज़ को बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। जैसे इंडिया में 1000 से ज़्यादा वेराइटी तो सिर्फ मैंगोज की होती हैं। आपने देखा होगा जब मैंगो लाते हैं तो कितने टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं ना। तो जो इंडिया में 1000 मोर देन 1000 वेराइटी होती है मैंगो की। और सेम इन केस ऑफ राइस, राइस खाते हैं सब, किसी के घर में बासमती, शबनम, इनकी भी 1000 वेराइटी होती हैं। इंडिया अलोन हैज़ 47 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। अकेले भारत में 47 से ज़्यादा स्पीसीज हैं प्लांट्स की और 89,451 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। स्पीसीज़ का मतलब होता है प्रजातियाँ, अलग अलग इतने टाइप्स के।
तो हमारे यहाँ पर 89,451 टाइप्स के एनिमल पाए जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 10 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स इन द वर्ल्ड। मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स का मतलब होता है वो कंट्रीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइड रेंज यानी बहुत ज़्यादा रेंज पाई जाती हैं, एनिमल्स की हों प्लांट्स की हों। उनमें जो टॉप 10 होती है, इंडिया भी हमारी उनमें से एक है।